हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया आप लोगों के लिए वो है चारकोल मास्क क्रीम। तो काफी फेमस है ये प्रोडक्ट, आजकल काफी फेमस हो रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन से बने फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है, फेस पैक अवेलेबल है और ये चारकोल क्रीम है, ये भी फेस पैक टाइप है। तो जो ये बेसिकली है वो है ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, अगर आप देख पाए इम्प्योरिटीज जो है जो कि फेस की अपर स्किन में ही होती है उसको रिमूव करने के लिए पील ऑफ मास्क टाइप है ये प्रोडक्ट। और जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यश इंटरनेशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रोडक्ट पे देख पा रहे हैं। और जो एक्सपायरी आ रही है वो है 2 दिसंबर 2021। तो अभी मैंने इसको परचेज किया तो अभी 3 साल है इसको एक्सपायर होने में, तो 3 साल की एक्सपायरी के साथ ये आ रहा है। और जो क्वांटिटी मेंशन है प्रोडक्ट के ऊपर वो है 130 ग्राम। और आप इसे परचेज करना चाहें तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। किसी टाइप का MRP मेंशन नहीं है, तो अलग अलग टाइप्स पे आपको अलग अलग प्राइसेस पे आपको ये मिल जाएगा। डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट प्राइस है। मैंने इसे जो परचेज किया ऑफलाइन मोड पे परचेज किया है तो इसका प्राइस मुझे 150 रुपीज पड़ा है 130 ग्राम की ट्यूब में। तो चारकोल मास्क क्रीम का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए चारकोल मास्क क्रीम जो कि एंटी ब्लैक हेड है उसका रिव्यू हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये चारकोल मास्क क्रीम मेन के लिए या फीमेल के लिए है। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों की स्किन में इम्प्योरिटीज होती है, दोनों के ब्लैक हेड्स होते हैं, तो ये दोनों जन मेल फीमेल दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया इसके प्राइस और इसकी क्वांटिटी, तो ये प्रोडक्ट काफी इजीली अवेलेबल है। और बेसिकली इसका जो पर्पस है यूज करना, इसका यूज तभी करें जब आपके स्किन में ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, दोनों को रिमूव करेगा। तो आपने इस प्रोडक्ट को काफी बार अपने सलून पार्लर में इसको देखा होगा, वो भी इसको काफी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो अपर लेयर होती है हमारे स्किन की उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं, और ब्लैक हेड्स हो गए, व्हाइट हेड्स हो गए, या किसी टाइप के पिंपल हो गए, उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ चारकोल मास्क क्रीम जो है उसका यूज कैसे करना है आपको। पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे एक माइल्ड फेस वॉश से, देन इसको ड्राई करने के बाद आप इसे इसका इस्तेमाल करेंगे अपने नोज पे, अपने चीक्स पे, अपने फोरहेड पे। और अगर आप क्लीन शेव रखते हैं तो इसका इस्तेमाल पूरे फेस पे कर सकते हैं, अपने चिन पे, अपने नेक पे, बट जहां पर आपके हेयर्स हैं वहां पे इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जब पील ऑफ करेंगे तो आपके हेयर भी उसके साथ पुल हो जाएंगे और आपको काफी पेन होगा उससे। फीमेल भी इसका इस्तेमाल इजिली कर सकती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इसका इस्तेमाल डायरेक्टली स्किन पे करने से पहले आप इसका स्किन टेस्ट ले लीजिएगा, अपने हैंड्स पे इसको अप्लाई करें, देन इसको सूखने के बाद अपने हैंड्स से इसको पील ऑफ करें। अगर किसी टाइप की एलर्जी या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप फ्री टू यूज हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए। और बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इसका इस्तेमाल 2 वीक्स में एक बार कीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, जिससे आपको आपके पोर्स दिखाई देने लग जाएंगे और आपके स्किन में ऑयल जो डिपॉजिट है वो ज्यादा हुआ करेगा, और इस वजह से पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल 2 वीक में एक बार ही कीजिए, फ्रिक्वेंटली यूज ना करें इसका। मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं बट ये प्रोडक्ट उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना आप स्क्रब से अपने ब्लैक हेड्स और स्किन इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। तो जस्ट एज ए नॉर्मल पील ऑफ मास्क है, एक्टिविटी चारकोल है, ब्लैक कलर में है, तो लोगों को लगता है कि काफी इम्प्योरिटीज निकालेगा। जब आप इसको पील ऑफ करते हैं थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज निकलती है, बट डीपली ये आपकी स्किन पे काम नहीं करता है। तो मैं जो प्रोडक्ट को रेट करूंगा वो करूंगा 2.5 out of 5। मेरे हिसाब से ये ओके प्रोडक्ट है, मे बी कई लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट आया, मे बी कई लोगों को इससे स्किन एलर्जी भी हुई, मुझे किसी टाइप की स्किन एलर्जी तो नहीं हुई है, बट हाँ रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं मिले हैं, डीपली कुछ काम नहीं करा इसने। और जिस टाइप का इसका प्राइस है
₹150 130 ग्राम की क्वांटिटी में, तो वर्थ है मनी की, बट थोड़ा एक्सपेंसिव। अगर आप अच्छा स्क्रब लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपकी स्किन को रिफ्रेश भी फील करवा। तो अगर आपके और कोई सजेशन है या फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उस कमेंट को पढ़ के उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।